हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की हालत दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है इन 5 दिनों में। करीबन 5 दिन हो गए हैं मेरी गाड़ी को इसी हालत में, इसी कंडीशन में खड़े हुए। तो यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है गाड़ी। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि मेरी गाड़ी की हालत ये ऐसी क्यों है, और 5 दिन से मैंने इस गाड़ी को साफ़ क्यों नहीं किया है, और इसको मैंने चलाया क्यों नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी विंडशील्ड के ऊपर इतना इस पर धूल मिट्टी जमी है, और यहाँ पर बोनेट पर भी देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा शुक्र तो इस बात का है कि इन 5 दिनों में मुझे गाड़ी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि मुझे कहीं गाड़ी को ले जाना पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए आपके साथ भी, तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। और 5 दिन भी मुझे इसलिए लग गए हैं क्योंकि मैंने ऑफलाइन काफ़ी ट्राई किया अपने इलाके में, तो मुझे वो नहीं मिली चीज़, तो मजबूरन मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, ठीक है, जिसको आने में लगभग 5 दिन लग गए हैं मेरे पास। और 5 दिन मैंने अपनी गाड़ी को जो नहीं छेड़ा है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा मोहल्ला है, अगर मैं अपनी गाड़ी को किसी वजह से छेड़ता हूँ या इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में मुझे टर्मिनल से बैटरी टर्मिनल से वायर को हटाना पड़ेगा, उतनी देर में यहाँ पर काफ़ी शोर मच जाएगा और काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग का हूटर लगा रहता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी के लॉक को बिना रिमोट के खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, जिसकी वजह से बहुत लोगों को इरिटेशन हो सकता है। तो मैंने इस चीज़ का रिस्क नहीं लिया है, तो अपनी गाड़ी को ऐसे ही खड़े रहने दिया है। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जिसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। तो इसको जल्दी से मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई है वो वैसे कोई इतनी खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर किसी की गाड़ी में सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है तो उनको कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो मेरी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसका जो मेरा रिमोट है उसकी बैटरी डाउन हो गई है, और जो हमारे रिमोट में बैटरी डलती है वो बैटरी ईजिली कहीं पर जल्दी से मिलती नहीं है, तो उसको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ता है। तो ये 5 बैटरी का पैक है जो कि मैंने मंगाया है, और इसका प्राइस है 190 रुपये। और अगर आपको ये बैटरी ऑफलाइन मिल जाती है तो आपको ये बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा मिलता है पर हमारा काम चल जाता है, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है वैसे 190 रुपये में। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा कार का रिमोट है, मैं इसका कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइट होती है, वो ब्लिंक करती है, लेकिन अभी वो लाइट यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हमारा जो रिमोट है, इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये रिमोट वर्क नहीं कर रहा है। तो जल्दी से मैं अपने इस रिमोट की बैटरी को चेंज कर लेता हूँ। तो रिमोट के पीछे 2 स्क्रू दिए गए रहते हैं छोटे छोटे से, इनको खोल लेना है, और बस इसको यहाँ से ऐसे स्लाइड करके इसको निकाल देना है, और हमारा रिमोट यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो खोलने के बाद इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो ये बैटरी लगी रहती है कुछ इस तरीके से, बस इसको सिंपली यहाँ से निकालना है। निकालने के बाद इसके अंदर पुरानी बैटरी को निकालने के बाद नई बैटरी को डालना है, और नई बैटरी डालने के बाद इसको वापस से अपनी जगह लगा देना है। तो जल्दी से मैं ये सारा काम कर लेता हूँ और रिमोट को बंद करके और आपको दिखाता हूँ कि ये रिमोट वर्क करने लगा है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैं रिमोट का बटन प्रेस करता हूँ तो लाइट ब्लिंक करने लगी है, यानी कि हमारा रिमोट दोबारा से वर्क करने लगा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये कोई वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो गाड़ी के अंदर हमारा सेंटर लॉकिंग का हूटर लगा रहता है उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने गाड़ी के डोर को खोलता चाबी से, तो गाड़ी का जो सेंटर लॉकिंग का हूटर होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती मोहल्ले के अंदर, जो कि मुझे पसंद नहीं था, और मैंने उस चीज़ को नहीं किया है, अपनी गाड़ी को ऐसे ही बंद रखा 5 दिन तक। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही बताना था, अगर आपकी गाड़ी में भी सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है और रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।